ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज। ऑलरेडी वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 6-7, ठीक है। सो फ्रॉम विच क्वेश्चन वी शुड स्टार्ट, 8th or 9th? 8th क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम 10th क्वेश्चन एंड यस यस बच्चों, मेरी पुरानी बुक है और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग हम 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 6-7 शायद हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। 8th क्वेश्चन भी बच्चों उसी टाइप का है, तो 8th क्वेश्चन आप कर लेंगे, 9th भी आप कर लेंगे। सो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ओल्ड बुक में, देखिए जरा आप। क्वेश्चन नंबर 10 इज Z1 is equal to 2 minus iota and Z2 is equal to 1 plus iota, ठीक है। And you have to find mod of Z1 plus Z2 minus plus 1 upon Z1 minus Z2 plus 1. All right, see this. इसका mod आपको find करना है, Z1 plus Z2 plus 1 upon Z1 minus Z2 plus 1, इस पूरे का मोड आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। क्या होगी इसकी वैल्यू देखो जरा, Z1 कितना है? Z1 है बच्चों 2 minus iota plus Z2 क्या है? Z2 क्या है? 1 plus iota plus 1 अपॉन Z1 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 इज 1 प्लस आयोटा एन प्लस 1। पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनकी वैल्यूज यहाँ पर डाल दी है। नाउ देखो जरा, आप यहाँ पर आयोटा आयोटा को कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर क्या न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों, 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, गॉट इट। सो क्या लिख सकते हैं आप इसको, माइनस 1 को 1 से कैंसिल कर सकते हो, बचेगा क्या आपके पास, 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा होल मोड, राइट। नाउ आप डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 इंटू, अगर डिनोमिनेटर से आप 2 कॉमन लेते हो तो क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू, कट कर सकते हैं आप इसको, कट करेंगे 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, राइट। नाउ यू कैन रैशनलाइज इट, नाउ यू कैन रैशनलाइज इट, सो 1 प्लस आयोटा, और यहां पर भी क्या होगा, 1 प्लस आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिनोमिनेटर में हो, यानी कि डिनोमिनेटर में जब a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो तो उसको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, और नीचे क्या a प्लस बी और a माइनस बी, सो इट इज, और एक बात और, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगती है तो क्या बन जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है वो भी 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या बनेगा डिनोमिनेटर में, 2, डिनोमिनेटर में 2 बनेगा, और 2 को आप 2 से कट कर सकते हैं, 2 को 2 से अगर हम कट करेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा, फिर हमारे पास बचा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ दिस इज बताओ, a प्लस आयोटा का आपको क्या फाइंड करना है, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, करेक्ट? ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, रियल पार्ट का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1, दैट इज रूट 2. यस, कोई डाउट? यहाँ पर a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर. ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर. करेक्ट. अब आप सेम आइडेंटिटी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है आपके पास, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज ए प्लस आयोटा बी. सो मोड जेड फाइंड करेंगे आप, तो क्या लिख फाइंड करें, क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस आयोटा बी, तो ए क्या है यहाँ पर 1 और आयोटा बी, बी क्या है, बी बी 1 है. सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. गॉट इट? ठीक है, चलें आगे. ए प्लस आयोटा बी दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या करेंगे इसमें बच्चों, जब तुम्हारे पास ऐसी टर्म आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, ऑलरेडी ठीक है, ठीक है बच्चों, स्क्वेयरिंग नहीं. कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी भी देखो हमने किया था x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, यहां से क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, इससे आता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई से आता है, देखा होगा आपने, पता है ना, ये करके तो दिखाने की जरूरत नहीं है कैसे आया. ठीक है, ओके, तो ये लाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए माइनस आयोटा भी चाहिए, और ए माइनस आयोटा भी कहां से आता है बताओ जरा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो ए माइनस आयोटा बी कहां से आता है, कौन बताएगा? वो आता है बच्चों जेड कॉन्जुगेट से. जब इसका आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो कॉन्जुगेट में आयोटा पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, वो बनेगा ए माइनस आयोटा बी, यहां से आता है. ठीक है, इसलिए आप क्या करो, इसमें दोनों साइड क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इसको इक्वेशन वन मान लो, टेकिंग कॉन्जुगेट्स, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कॉन्जुगेट करो बच्चों. तो लेफ्ट साइड में कॉन्जुगेट करोगे तो a माइनस आयोटा बी का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका भी कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट. ठीक है, सो a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ जरा, a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, a माइनस आयोटा बी, दिस इज इक्वल टू बताओ जरा क्या करेंगे, x प्लस x प्लस इसके ऊपर स्क्वायर है बच्चों यहां पर. ठीक है, देखो जरा यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ यहाँ पर. अच्छा, कॉन्जुगेट की बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अपॉन z2 डिवाइड में हो और पूरे का कॉन्जुगेट हो तो क्या हो जाता है, दोनों के ऊपर सेपरेट हो जाता है, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, z1 अपॉन z2 होल का कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट दोनों पे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. क्या करेंगे अब इसमें, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कॉन्जुगेट को सेपरेट कर देंगे, एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट, होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. बच्चों मैं इसको साथ में जीरो आयोटा और लिख रहा हूं, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस जीरो आयोटा लिख ही सकते हैं, प्लस जीरो आयोटा तो लिख ही सकते हैं, इस होल का कॉन्जुगेट.
सो कॉन्जुगेट को हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेपरेट कर दिया, प्रॉपर्टी होती है। ओके बच्चों, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको और बताई थी, जेड टू द पावर एन, अगर जेड की पावर एन है और उसका कॉन्जुगेट है तो बच्चों कॉन्जुगेट अंदर आ जाता है और पावर बाहर चली जाती है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो x plus iota का जो कॉन्जुगेट है और इसके ऊपर पावर भी है, तो पावर बाहर चली जाएगी, कॉन्जुगेट अंदर आ जाएगा। सो a माइनस आयोटा बी, क्या a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू बच्चों x प्लस आयोटा, इसका तो कॉन्जुगेट हो जाएगा, पावर चली जाएगी बाहर, कॉन्जुगेट अंदर पावर बाहर, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। कभी आपको जरूरत पड़े और आपको उल्टा करना है तो आप उल्टा भी कर सकते हो। नीचे देखो बच्चों, आयोटा पार्ट का साइन चेंज होता है ना कॉन्जुगेट में, तो नीचे इस आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे 2x² + 1 - 0 आयोटा, और प्लस में 0 आयोटा है, माइनस 0 आयोटा का क्या सिग्निफिकेंस है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, छोड़ दो, लीव इट, कर दिया ना लीव। ऑल राइट बच्चों, अब देखो जरा a माइनस आयोटा बी, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट, एक्स प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा बन जाएगा, और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1, ठीक है। नाउ a प्लस आयोटा बी इक्वेशन वन में देखो और इक्वेशन टू में देखो, इक्वेशन वन में a प्लस आयोटा बी है और इक्वेशन टू में a माइनस आयोटा बी है, आ गया ना a माइनस आयोटा बी। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि a माइनस आयोटा बी लेके आओ, और अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे बच्चों a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, ठीक है, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1, एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 2x² + 1, क्या कर दिया बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ऐसे ढंग से करना है कि लेफ्ट साइड लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करनी है और राइट वाली, ठीक है, चलो लिख लिया यहां तक, लिख लिया यहां तक। अब ये बताओ, यहां तक सभी ने लिख लिया ना, अब ये बताओ, चल भाई आर्य बता, a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी क्या होगा, बता देना, वरना तो यही जाएगा यूट्यूब पे कि आर्य ने जवाब नहीं बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर्य तो हो गया पास, आर्यन तो हो गया पास आज, ठीक है, बारी अब मिलन की है, मिलन सर बताइए इनका मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो भाई x² × y² हो तो इसको x × y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो ऊपर x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा ऐसा लिख के इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा, रियल पार्ट क्या है बच्चों यहां पर x, सो x का स्क्वायर होगा, रियल पार्ट क्या है x, तो x का क्या होगा स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है, क्योंकि आयोटा के साथ लिखा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 1 है और दूसरे वाले में माइनस 1 है, तो आप चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, क्योंकि हमें लिखना है प्लस में बी स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखोगे तब भी यहाँ 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर लिखोगे तब भी यहाँ 1 आएगा, आना तो x² + 1 है, ओके सो बच्चों वो अच्छा, और इसके बाहर क्या है 2 भी है ना, तो इसका होल स्क्वायर करेक्ट, सो न्यूमरेटर में बच्चों बन गया x² + 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा बताओ जरा 2x² + 1, नीचे 2x² + 1 है इंटू 2x² + 1 क्या हो जाएगा 2x² + 1 होल स्क्वायर,
होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, शायद आपको यही प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, ठीक है, करेक्ट। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपने देख लिया, जेड वन क्या गिवन आपको 2 माइनस आयोटा, जेड टू आपको क्या गिवन है 2 माइनस 2 प्लस आयोटा, और आपको फाइंड क्या करना है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखो इसको क्या है, जेड वन इंटू जेड टू, ऊपर क्या मल्टीप्लाई है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड है, नीचे क्या है कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन। इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ना, आपको सिर्फ इसका रियल पार्ट बताना है क्या है। तो रियल पार्ट जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन है, आपको रियल पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट क्या होगा माइनस टू, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा माइनस वन, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशियंट देखो, आयोटा का कोफिशियंट देखो माइनस वन, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस वन, आयोटा का कोफिशियंट देखो इमेजिनरी पार्ट के लिए, आयोटा को नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आएगा, जब ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ जाए तब आपका रियल पार्ट आप बता पाओगे कि रियल पार्ट इसका क्या है दिस, करेक्ट। तो उससे पहले आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है जेड वन, आपको फाइंड करना है जेड वन इंटू जेड टू अपॉन जेड वन कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जेड वन बताओ इसका कितना है टू माइनस आयोटा, और जेड टू क्या है माइनस टू प्लस आयोटा अपॉन जेड वन कॉन्जुगेट, जेड वन कॉन्जुगेट मतलब टू माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, करेक्ट बच्चों। जेड वन की वैल्यू हमने डाल दी, जेड टू की वैल्यू डाल दी, और नीचे जेड वन कॉन्जुगेट, जेड वन लिख के उसका कॉन्जुगेट भी लिख दिया, करेक्ट। बताओ देखो जरा, पहले तो इनको ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, या तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज क्या करोगे बोलो, माइनस कॉमन लेके होल स्क्वायर कर दो, चलो वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू टू जा माइनस फोर, फिर प्लस टू आयोटा, फिर प्लस टू आयोटा, एंड माइनस आयोटा और प्लस आयोटा मिलके क्या बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को सिंपल ब्रैकेट्स की तरह मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आएगा हमारे पास। नीचे बच्चों टू माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है, क्या होगा टू माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट टू प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट जब भी लेते हैं तो आयोटा पार्ट का साइन चेंज किया जाता है, रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बोलो बोलो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो बच्चों जरा आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, तो माइनस माइनस यहां पर क्या बन जाएगा प्लस वन, आयोटा स्क्वायर कितना है माइनस वन है ना, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ का और माइनस फोर यहाँ का, अच्छा माइनस वन सॉरी ऑलरेडी भी यहाँ एक माइनस है तो ये प्लस वन बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, ऑलरेडी यहाँ एक माइनस है तो यहाँ प्लस वन बन गया, ये प्लस वन और ये माइनस का फोर मिलके क्या बन गए माइनस थ्री, माइनस थ्री, और टू आयोटा प्लस टू आयोटा फोर आयोटा, टू आयोटा प्लस टू आयोटा क्या बन जाएगा फोर आयोटा, नीचे क्या है बच्चों टू प्लस आयोटा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए पहले उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, यानी कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, टू प्लस आयोटा अपॉन टू प्लस आयोटा, राइट, क्या बना माइनस थ्री को टू से मल्टीप्लाई करो माइनस सिक्स, फिर थ्री को आयोटा से करो प्लस थ्री आयोटा, ठीक है, फोर को टू से करो एट आयोटा, एट आयोटा, ठीक है, और इसको इससे करो बोलो प्लस फोर आयोटा स्क्वायर, फोर आयोटा स्क्वायर, ठीक है, तो फोर आयोटा स्क्वायर को सीधा ही लिख दो, क्या आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ माइनस फोर हो जाएगा, कहाँ पर भाई, ओ माय गॉड बिग मिस्टेक मिलन, बिग मिस्टेक हो गया, टू माइनस आयोटा होना चाहिए था, यहाँ भी टू माइनस आयोटा होना चाहिए था, चलो फिर से मल्टीप्लाई करो, थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री आयोटा, थ्री जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो थ्री टू जा सिक्स हुआ फिर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कितना बन जाएगा
प्लस 3 आयोटा, 4 को 2 से करो 8 आयोटा, और 4 को माइनस 1 से करो तो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 6 कहां पर माइनस 3 2 अच्छा माइनस भी था माइनस 6 लगाओ माइनस नीचे क्या होगा भाई बताओ जरा 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा 4 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस में प्लस 1 हो जाता है बहुत बार बताया जा चुका है आपको 4 प्लस 1 आएगा है ना ठीक है ओके गुड दिस इज इक्वल टू अब बताइए बच्चों ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई माइनस 1 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 तो यहाँ माइनस 1 आएगा उसकी वजह से जो ये माइनस 4 है ये क्या बन जाएगा प्लस 4 ठीक है आयोटा स्क्वायर को काट के वहां क्या कर दो तो माइनस का 6 और प्लस का 4 बताओ क्या बन गया माइनस 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5 अब आप इसको क्या लिखेंगे माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा सभी ने पूरा कर लिया क्या सभी बैठे हैं अरे वाह मैं सबसे पीछे हूं तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स आपका नंबर आपका क्या आया Z1 into Z2 upon Z1 conjugate ठीक है अब आपको इसका रियल पार्ट बताना है तो रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 upon Z1 conjugate is what माइनस रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों ये माइनस 2 upon 5 दिस इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है अगर इमेजिनरी पार्ट पूछता तो क्या बताते 11 upon 5 नॉट आयोटा आयोटा साथ में नहीं देना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार आपको इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है ये उसी क्वेश्चन का 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बताओ क्या होगा 1 अपॉन Z1 बताओ कितना है 2 माइनस आयोटा Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा और Z2 कितना है माइनस 2 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है Z1 और Z2 की मैंने वैल्यू डाल दी क्वेश्चन में वही पहले वाला ही क्वेश्चन है सेम वैल्यू क्वेश्चन में क्या है हाँ Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट ही है इसी का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा का ही कॉन्जुगेट और आपको भी इसका क्या फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट तो अभी हम इस इमेजिनरी पार्ट को तो हटा देते हैं पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करते हैं ठीक है क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा ये क्या बन गया बच्चों 2 प्लस आयोटा बन जाएगा ठीक है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा क्या बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या आ गया 1 अपॉन 5 सो 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z1 इंटू Z2 ऑल कॉन्जुगेट नहीं सॉरी Z1 का ही कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 आप इसका ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन 5 प्लस 0 आयोटा अब बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 क्या है इसका कॉमन इमेजिनरी पार्ट ठीक है चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 साथ साथ लिखो पीछे नहीं छूटना है ठीक है पीछे छूटने से फिर आप कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते जस्ट कॉपी करते हो Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है लिखो इसको साथ साथ 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा और नीचे क्या है 1 माइनस 3 आयोटा ठीक है देख लिया आपको कुछ भी फाइंड करना हो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है राइट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज करेंगे करो रैशनलाइज किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा ठीक है अब करो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो पहले 1 को किससे करेंगे 1 से 1 फिर 1 को 3 से करेंगे 3 आयोटा
फिर टू को आगे पूरे उससे मल्टीप्लाई करो तो टू आयोटा एंड देन सिक्स आयोटा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक लिखा साथ साथ? नहीं, पीछे रह गया मिलन, दिखना तो था ही नहीं, अपना मल्टीप्लाई करना था, देखना तो था ही नहीं। नेक्स्ट नीचे क्या आएगा भाई? रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है? बोर्ड को तो आप देखो ही मत, आप बस सिर्फ सुनो और लिखो। रियल पार्ट का स्क्वायर करो, रियल पार्ट क्या है? वन। तो वन का स्क्वायर क्या हो गया? आप अपना देखो, जैसे ही आपको सुनाई दिया रियल पार्ट का स्क्वायर करो, तो फिर रियल पार्ट का आप स्क्वायर खुद करो कि क्या आ रहा है। दैट इज वन प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या आएगा? नाइन। ठीक है, नाइन करेक्ट। ओके, अब न्यूमरेटर में जो आयोटा स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा? जो आयोटा स्क्वायर है ये माइनस वन बन जाएगा, माइनस सिक्स, माइनस वन हो गया। तो ऊपर ये तो हो गया वन और ये माइनस सिक्स, क्या बचा? माइनस फाइव। प्लस में आयोटा पार्ट को ऐड करो, फाइव आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? नाइन प्लस वन टेन, क्या बन गया ये? सेपरेटली डिवाइड करोगे फाइव अपॉन टेन तो माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस फाइव अपॉन माइनस टेन करोगे माइनस हाफ आ जाएगा, प्लस फाइव अपॉन टेन करोगे ये भी क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आ गया हाफ आयोटा। अब आपको क्या फाइंड करना है? इसका मॉडुलस, मॉड जेड फाइंड करना है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, आपको बताओ, आप बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस का फार्मूला बताओ, मॉडुलस का फार्मूला, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का फार्मूला। सब लोग पेज क्यों पलट रहे हैं, कृपया मुझे बताएं। दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वन बाय टू का स्क्वायर प्लस वन बाय फोर, दिस इज इक्वल टू वन बाय टू। समझ आया? कुछ गलत लिख दिया? अरे, वन बाई फोर, वन बाई फोर क्या हो गया भाई? टू बाई फोर, इसको काटेंगे वन बाई टू, तो वन बाई टू का रूट भी आएगा, दैट इज इक्वल टू वन बाई रूट टू। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आर्गुमेंट फाइंड करना है क्या? रहने देते हैं, अब सिलेबस में तो है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी क्या आया था बच्चों? हमारा फाइनल क्या आया था बताओ जरा एक बार? वन बाई टू प्लस टू आयोटा। ठीक है, देखो जरा, ए क्या है यहाँ पर? माइनस हाफ। बी क्या है? वन बाई टू। ए क्या है? माइनस हाफ, और बी क्या है? वन बाई टू। सबसे पहले निकालना है टेन अल्फा, क्या निकालना है? टेन अल्फा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोड बी बाई ए, मोड बी बाई ए। तो कैसे क्या होगा ये देखो, माइनस वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, इसका मोड तो क्या बनेगा ये वन, क्या आएगा? कट हो जाएगा, माइनस वन बचेगा अंदर, माइनस वन का मॉडुलस क्या होता है? दिस। ठीक है, टेन अल्फा आपका वन आ गया, टेन अल्फा क्या आ गया? वन के इक्वल। वन को आप क्या लिख सकते हो? टेंजेंट 45 यानी कि पाई बाई फोर, टेंजेंट 45 यानी कि पाई बाई फोर। सो बाई कंपेरिजन अल्फा क्या हो गया? बाई कंपेरिजन अल्फा हो गया पाई बाई फोर, अल्फा की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, और बताओ जरा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स नेगेटिव है, ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। ये ऐसा कहां पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू बताओ, आर्गुमेंट की वैल्यू बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा। पाई इज व्हाट? पाई तो पाई रहेगा, अल्फा क्या है? अल्फा इज पाई बाई फोर, सो इट इज थ्री पाई बाई फोर, क्या होगा? थ्री पाई बाई फोर करेक्ट। थीटा आ गया आपके पास थ्री पाई बाई फोर, तो आर्ग्यूमेंट क्या हुआ? थ्री पाई बाई फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
14th क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन ये कहता है कि x और y फाइंड करने हैं आपको, क्या फाइंड करने हैं? x एंड y, और आपको ये गिवन है द रियल कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, देखो आप अपनी बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस आयोटा वाई, ठीक है, इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये नंबर क्या है? किसी का कॉन्जुगेट है, किसका कॉन्जुगेट है? माइनस 6 प्लस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट है, माइनस 6 माइनस 24, माइनस 6 माइनस 24 आयोटा। देखो बच्चों, दिस नंबर इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ध्यान से सुनो, कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट कौन है? जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो, राइट तो मैंने राइट हैंड साइड पे क्या लगा दिया? कॉन्जुगेट लगा दिया, ठीक है, लेफ्ट साइड का नंबर राइट साइड के नंबर का क्या है? कॉन्जुगेट है, ऑल राइट। अच्छा एक बात बताओ, हम x माइनस आयोटा वाई इसको तो आप क्या लिखेंगे, इसको तो आप क्या लिखेंगे बताओ जरा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस 6 प्लस 24 आयोटा, क्या लिखेंगे? माइनस 6 प्लस 24 आयोटा, और डिवाइड में क्या होगा बताओ जरा, ये जो लेफ्ट साइड में 3 प्लस 5 आयोटा, ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, तो 3 प्लस 5 आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, बताओ कोई प्रॉब्लम? चले फिर आगे, अब इसको तो हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सीधा सा एक सिंपल सा फंडा है कि बोलो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो रैशनलाइज करना होता है, इसको आप रैशनलाइज कर दो, 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 5 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा से, सो क्या आ गया? x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, बताओ जरा, माइनस 6 प्लस 24 आयोटा, ठीक है, माइनस 6 प्लस 24 आयोटा, इसको 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? माइनस 18, 24 को किस, सॉरी उसके बाद 6 को किससे करेंगे? 5 से, तो प्लस 30 आयोटा, फिर 24 को किससे करेंगे? 3 से, 72 आयोटा, फिर माइनस 120 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या है बच्चों? नीचे होगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, क्लियर है सबको? x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो बच्चों, ये जो 120 है ये क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा? माइनस 1, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या मिलके क्या बना देगा? प्लस का 120, प्लस 120 और माइनस का क्या है? 18, क्या बन जाएगा बताओ जरा? प्लस का 120 और माइनस का 18, 102, अच्छा जी 72 और 30, ये भी 102 हो गया, 102 आयोटा, और नीचे कितना है? 34, नीचे कितना है? 34, सो x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, अब इसको डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो 102 अपॉन 34 ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 और इसके पास इसके बाद भी क्या आएगा? 3 आयोटा x प्लस दिस, ठीक है। अच्छा अब इसको लेफ्ट साइड वाले नंबर से कंपेयर करो, जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट किसके इक्वल होता है? रियल के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, कंपेयर करोगे तो x किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल, x किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल, आयोटा y माइनस आयोटा y है ना, ठीक है, तो माइनस y किसके इक्वल होगा? लेफ्ट का इमेजिनरी पार्ट माइनस y है और राइट का कितना है? 3, सो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 3, लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी लेफ्ट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट से कंपेयर किया
रियल पार्ट रियल से कंपेयर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से कंपेयर होगा। लेफ्ट में रियल पार्ट क्या है x, राइट में रियल पार्ट क्या है 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। लेफ्ट का इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस वाई, राइट का इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, ठीक है, तो y की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई 3, y माइनस 3 आ गया। ठीक है, चलें आगे देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15th क्वेश्चन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपको, इसको हम जेड अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, माइनस में 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, क्या करेंगे बच्चों? पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है, जेड इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका एलसीएम ही ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। एलसीएम लेने का फायदा पता है क्यों है, और कोई नंबर होता तो हम पहले हो सकता है रैशनलाइज करते, ठीक है, यहां पर फायदा इसलिए कि अगर इसको रैशनलाइज करोगे तो यहां पर क्या आएगा 1 प्लस आयोटा आएगा, और एलसीएम लेने से भी 1 प्लस आयोटा ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म्स गिवन है कुछ एक दूसरे के कॉन्जुगेट टाइप से ही गिवन है, ठीक है, तो डायरेक्ट एलसीएम ही ले लो, वही ज्यादा सिंपल रहेगा। अच्छा, यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये यहां वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, माइनस यहां क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म बनेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ओपन करो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, किसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 ए बी, सो आएगा 2 आयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, करेक्ट। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और बी का मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 लोगे या माइनस 1 लोगे, दोनों ही केसेस में वो 1 ही बनना है, ठीक है, देखो जरा आयोटा स्क्वायर क्या हो गया बच्चों माइनस 1, ये बनेगा माइनस 1 और ये प्लस 1, ये तो हो गया 0, ठीक है, 1 आयोटा स्क्वायर बनेगा माइनस 1 तो ये मिलके क्या हो जाएगा 0, प्लस में 2 आयोटा, ठीक है, माइनस में यहां पर भी देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1, ये भी कंबाइन करके क्या हो गया 0 और ये माइनस का 2 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया। अब बताओ जरा दिस इज 2 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां से भी 2 आयोटा ही आएगा, क्या बनेगा ये माइनस, ये 2 आयोटा और यहां से भी क्या आएगा प्लस 2 आयोटा आएगा, तो ये 2 आयोटा प्लस का, ये 2 आयोटा भी प्लस का हो जाएगा 4 आयोटा, और डिवाइड में क्या है 2, सो क्या बन गया ये 2 आयोटा, ठीक है, सो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आयोटा, जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो आप इसको लिख सकते हो 0 प्लस 2 आयोटा, 0 प्लस 2 आयोटा, क्या फाइंड करना है हमें भाई मॉडुलस ऑफ दिस, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको फाइंड करना है, सो मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट तो 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 का रूट निकालोगे तो 2, सो मॉड जेड आपको फाइंड करना था बच्चों, मॉड जेड आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन देखो जरा बच्चों, आपको गिवन है x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, यू प्लस आयोटा वी, ठीक है, देन शो दैट u अपॉन x v अपॉन y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, कैसे करेंगे कौन बताएगा? एक बात तो साफ है, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी दिया है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में होल क्यूब है, होल क्यूब की आइडेंटिटी तो ओपन करनी ही होगी, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, चलो मैं ही बता देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, देखो जरा, तो सबसे पहले हम क्यूब की आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, यहां पर एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, एक्स का स्क्वायर आयोटा वाई, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ए कितना है एक्स, बी कितना है आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, यू प्लस आयोटा बी, यू प्लस आयोटा बी, ठीक है बच्चों, देखो जरा एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, आयोटा का क्यूब यहां आएगा, आयोटा क्यूब वाई क्यूब आएगा, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस आयोटा, समझ आया, वहां पर आयोटा क्यूब वाई क्यूब आएगा, और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा और वाई क्यूब, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस थ्री, इसमें तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई और साथ में क्या होगा आयोटा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई आयोटा, अब यहां देखो क्या है वहां पर, थ्री एक्स आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, थ्री एक्स आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, बिगनिंग में लगा देते हैं वाई स्क्वायर, क्या बनेगा थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, यू प्लस आयोटा वी, समझ आया, चले आगे देखो जरा, एक्स क्यूब माइनस रियल पार्ट क्या है भाई, इसका रियल पार्ट थ्री एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, यहां पर क्या है ये देखो जरा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से अब आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा माइनस वाई क्यूब और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर वाई को पहले लिख देते हैं माइनस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, दिस इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, क्या आएगा यहां से देखो जरा, ये क्या है, ये क्या है रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, क्या है ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर को किससे इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट रियल से इक्वेट होगा यू से, एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से इक्वेट होगा, क्यों, मैंने आज ही आपको बताया था अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, तो यहां से क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई
माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल आएगा बच्चों, v के इक्वल आएगा। जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स विल बी इक्वल। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स विल बी इक्वल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, देखो जरा आप यहां से देखो, रियल पार्ट को देखो, एक रियल पार्ट से एक इक्वेशन बन गई, एक इमेजिनरी पार्ट से बन गई। यहां से x कॉमन लो, ठीक है, क्यों ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहां u के नीचे x लेके जाएं ताकि ऐसा बन जाए। तो यहां से x कॉमन लो तो यहां बचेगा x स्क्वायर और यहां बचेगा 3y स्क्वायर, x और y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, u। अगर x को नीचे लेके जाते हैं राइट साइड में तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू u अपॉन x, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन x। एंड यहां से देखो y कॉमन लो, y कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहां पर, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू v, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू v। तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना हो जाएगा, v अपॉन y, क्या आया यहां से बताओ जरा, एडिंग वन एंड टू करें, एडिंग वन एंड टू, इन दोनों को ऐड करके देखो तो क्या होगा, u अपॉन x प्लस v अपॉन y, v अपॉन y इज इक्वल टू x स्क्वायर। देखो दोनों की राइट हैंड साइड ऐड किए हैं तो लेफ्ट साइड एक साथ ऐड होगी, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऐड कर दो, तो u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू x स्क्वायर 3x स्क्वायर कितना बन गया, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यह आना चाहिए था, यही लाना था हमें। अच्छा 4 कॉमन ले लो राइट हैंड साइड से, u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 इंटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये बन जाएगा। हमको छुट्टी, देखो बच्चों 18th question क्या है, 1 माइनस आयोटा की पावर x, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, 1 माइनस आयोटा की पावर x किसके इक्वल है, 2 टू द पावर x। ठीक है, तो एक बात बताओ, 1 माइनस आयोटा, इसके ऊपर मोड भी लगाया ना, तो अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा बताओ, इसका मॉडुलस क्या होगा 1 माइनस आयोटा का, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वो भी माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या लिखा है, इसके ऊपर क्या लिखा है, x होल की पावर कितनी, x, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। देखो जरा यहां से ये बन गया 2, सो ये हो गया रूट 2, रूट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, रूट 2 टू द पावर x क्या बेटे, लगा दिया राइट हैंड साइड में, तो 2x पहले से ही है, वो राइट हैंड साइड एज इट इज लिखी है, सिर्फ लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई किया है, लेफ्ट साइड में 1 माइनस आयोटा का मोड निकालना था, मोड निकाला वो रूट 2 आ गया, सो ये लिखा हुआ है रूट 2 की पावर x। बच्चे इसको आप लेफ्ट साइड को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर हाफ, रूट को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर हाफ, 2 टू द पावर हाफ, और इस कंप्लीट के ऊपर पावर क्या है, x,
दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, राइट? पावर के ऊपर पावर क्या होती है, तो क्या हो जाता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो ये हो गया 2 टू द पावर x बाई 2, 2 टू द पावर x बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, 2 टू द पावर x. ऑल राइट, राइट हैंड साइड क्या है, टू दिस. ठीक है बच्चों, नाउ x बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, x बाय 2 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा. ठीक है, x बाय 2 इज इक्वल टू x. अब बच्चों बच्चे गलती क्या करते हैं, x बाय 2 इज इक्वल टू x, x से x को काट दिया, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1. बहुत ही सुंदर आंसर आ गया, उम्दा. इससे अच्छा आंसर तो आ ही नहीं सकता कभी. 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1, सारा मैथमेटिक्स का बेड़ा गरक. एक ही दिन में सारा मैथमेटिक्स का बेड़ा गरक. ठीक है बच्चों, ऐसे नहीं होता. ठीक है, x अपॉन 2 किसके इक्वल है, x के इक्वल. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 2x. बोले सर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद भी x से x को काटा, 1 इज इक्वल टू 2. लो आना तो कुछ. ठीक है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, सिखाया ना मैंने आपको, कक्षा 10th में भी शायद बताया होगा. ऐसे जिस वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, वेरिएबल को नहीं काट सकते आप ऐसे, इससे क्या हो जाता है, रूट लॉस हो जाता है. अक्सर का अभी भी एक दो दिन पहले भी कोई बच्चा गलती कर रहा था, मत किया करो, 2x माइनस 11 वाला कर रहा था ना, वो बगल वाला. हाँ, 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस x क्या हो गया, x, x इज इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई. अब क्वेश्चन में ये बोला था, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन. इसके कितने नॉन जीरो सॉल्यूशन है, कितने आदमी थे, कितने नॉन जीरो सॉल्यूशन. इसका तो सॉल्यूशन ही एक है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, और वो भी क्या है, जीरो. उन्होंने पूछा नॉन जीरो कितने हैं भाई, तो नॉन जीरो तो है ही नहीं. इसके नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस, सो नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन. इतने सारे जीरो हो गए कि समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है. तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं इसके, जीरो. एक भी इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है बच्चों, चलो फिर आज इतना ही करते हैं, क्योंकि साहब लोग मैं देख रहा हूं मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि कब क्लास खत्म करोगे, बहुत नाइंसाफी है. बच्चों इसको एक बार रिवाइज कर लेना.